क्या वाह, लाओ लाओ भाई, इनको लाओ पहले, मत कहानी बाद में सुना दूंगा। ये एक भैया है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट है। क्या है? मिमिक्री आर्टिस्ट। इनका ऐसा मानना है कि भाई कोरोना में हमारा 2 साल में सब कुछ बंद हो गया, हमें हमारी कला दिखाने का मौका नहीं मिला, तो हमें कला दिखाने का मौका दिया जाए तो कहा सबसे बड़ा बेच, सबसे अच्छा बेच कौन सा है, तो कला दिखाने का मौका कहाँ दिया जाए। तो ये शेखर जी है, ये आपको अभी अपनी थोड़ी सी कला दिखाएंगे, फिर मैं कला दिखाऊंगा। मैं तो डेली दिखाता हेलो हेलो। तो स्टूडेंट ब्रदर्स, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मेरे को गलाना पड़ जाएगा क्योंकि बच्चे बहुत पीछे देखे। दिख रहा है ना सभी को? अरे भाई अपन संजू बाबा आने का बोले थे, इंजीनियर लेने का बोले। तो स्टूडेंट जैसे ऑक्टोपस घुंगरू ढोलक एंड हॉरर म्यूजिशियन नेक्स्ट परफॉर्म। कभी कभी आप ऐसे परफॉर्म भी देखते हैं यूट्यूब टीवी पे कि बॉलीवुड कलाकारों की कुछ वॉइस निकालते हैं, कॉमेडी परफॉर्मेंस करते हैं अलग अलग वॉइस, तो यानी जैसे मिमिक्री कहते हैं। आज मैं कुछ फेस टू फेस बॉलीवुड कलाकारों की आवाज में छोटा सा कॉमेडी परफॉर्मेंस करूंगा। एक बार जॉनी लिवर साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, सारे एक्टर्स मिलकर उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर साहब प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या माहौल बनेगा, आपस में बातें करने लगे, भैया डॉक्टर साहब कहाँ है। तो जस्ट परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन साहब, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मिमिक्री अमिताभ साहब। हेलो 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 जसन, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से मेरा कहना है, देखा सर जी हमें यहाँ पे 2 घंटे हो गए लेकिन कोई डॉक्टर का पता नहीं, कोई नर्स का पता नहीं, तो हमें जैसे जॉनी पापा का ट्रीटमेंट करवाना था। तो देखिए भैया, देखे देखे भैया, अच्छा डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे भाई। तो हमें जैसे डॉक्टर साहब से मिलना है, तो वहां डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं, संजय दत्त साहब। एक्चुअली क्या होने का सर, बहुत टेंशन होने का, बोले तो अपन को भी पता चला कि जोनी बाबा का एक्सीडेंट होने का, अपन सीधा छोड़ के इधर आने का, बोले तो अपन ने मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर साहब किसका इलाज करने का तेरे को। तो उसी वक्त पहुंच जाते हैं गुलशन ग्रोवर साहब। ओबे मैन भाई ये क्या हो गया, 5 मिनट के वास्ते गोल गप्पे क्या खाने गए, पीछे से एक्सीडेंट ही हो गया। और जॉनी लेवर भाई सब ठीक है ना? जॉनी लेवर डॉक्टर साहब रोड क्रॉस कर रही थी, पीछे से ट्रक वाले आया, उड़ा के चला गया। तो स्टूडेंट उसी वक्त सामने से आते हैं जैसे अपने परेश राहुल साहब। अरे पापा मेरे को भी पता चला कि जोनी पापा का ये एक्सीडेंट हो गया, मैं सीधा शूटिंग छोड़ के इधर ही चाह रहे बाबा। ये रे राजू कहाँ है रे बाबा? उसी वक्त पहुंच जाते हैं सुलीन सेट्टी सर। ऐसा मजा भी पता चला कि जॉनी बाबा का एक्सीडेंट हो गया, मैं जस्ट अभी मंदिर से आ रहा हूं, उसे जल्दी से टेक कर दे। उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं शाहरुख। शाहरुख खान जब वहां पहुंचेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? कितने बार बोला था मैंने आपको, कितने बार समझाता, चाहे कहीं पे जाओ देखभाल कर जाया करो, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं। अब कैसा जीना है वैसे जो भाई, हमें क्या, हम तो वैसे शूटिंग को बिजी है। तो स्टूडेंट उसी वक्त आ जाते हैं वहां पे जैसे अमरेश पुरी साहब। अरे भाई ओए ओए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तो अच्छा हुआ कि पैर के लगी, कहीं और लग जाते तो सीधा ऊपर चले जाते, डॉन की बात कभी रॉन्ग नहीं होती। उसी वक्त पहुंच जाते हैं वहां पे नाना पाटेकर साहब। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं क्या हाल है मेरा, जब से पता चला जॉनी पापा का एक्सीडेंट हो गया 2 दिन हो गया, रोटी नहीं खाई, सिर्फ चावल से काम चलाना पड़ा, कैसे समझाऊं। एक बात बताए मेरे को क्या है ये, कितनी बार समझाता जा कहीं भी जा तो देखभाल के जाकर, लेकिन नहीं सुनता, जैसे जीना है वैसे जो, हमें क्या भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मजनू कंट्रोल।
तो स्टूडेंट उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं, जैसे शनि देओल शनि पाद जी वहां पहुंच गए। डॉक्टर सर, ओए डॉक्टर सर, आप इनका कब तक ट्रीटमेंट कर दोगे? आप सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे जा रहे हैं, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसी वक्त पहुंच जाते हैं वहां पे, जैसे ऋतिक रोशन साहब। हाँ मुझे भी पता चला जॉनी बाबा का एक्सीडेंट हो गया। मैं सीधा घर पे गया और वॉलबीटा भी लेके आऊ। जॉनी बाबा वॉलबीटा पियो गए ना? जॉनी लेवर, ये हड्डी पसली टूटी पड़ी है, इनको वॉलबीटा की पड़ी है। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार होते हैं, तो वहां पे जैसे अक्षय कुमार साहब पहुंच जाते हैं। अब अक्षय कुमार साहब उसे कह रहे हैं डॉक्टर के विषय में, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो इधर इधर इधर, दो घंटे हो गए हम यहाँ पे, ना किसी डॉक्टर का पता है ना किसी नर्स का पता है, जिस किसी को भी देख रहे मोबाइल लेके खड़े, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि मरीज का क्या हाल होगा। एक्सक्यूज मी, हेलो आप इनका इलाज करते हो या मैं अपने हिसाब से आपका इलाज करूं? तो उसी प्रकार से बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार आते हैं। लास्ट में जैसा संजय दत्त साहब जॉनी लीवर से कहते, जॉनी लीवर क्या जवाब देते हैं ध्यान से सुनेगा। एक्चुअली क्या होने का जरूर बहुत टेंशन होने, तेरे को डरने का नहीं, अपन तेरा ट्रीटमेंट करेगा। अक्का मुंबई में किसी का औकात नहीं कि अपन की तरह ट्रीटमेंट कर पाए, तो अपन तेरा ट्रीटमेंट करेगा, डरने का नहीं। जॉनी लीवर, वो क्या है ना डॉक्टर साहब, डरना तो पड़ता है। जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था पीछे लिखा हुआ था, जिंदगी रहे तो फिर मिलते रहेंगे। स्टूडेंट एक्चुअली अगर आपके इंस्टीट्यूट में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर कोरोना वायरस के बारे में कहने के लिए आएंगे तो कैसे कहते? भाई और बहनों और मेरे मित्रों, ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इनसे बचने के लिए अपने चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथों को सैनिटाइजर से धोना है और ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखे। राइट हैंड में बर्गर जरूर बनाए, कभी भी भूख लग सकती है। इसी के साथ अपने लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंच जाए तो वो कैसे बोलते? बिहार से पहुंच गए, बट बड़बक ऐसा बात न खा, और रउआ के जो कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी बा, लेकिन यहाँ का हमका कहा है कि कोरोना में हमारा बड़ा भला होइल। डॉक्टर ने बोला तो हर का शुगर बा, मिठाई ना खावत, लेकिन हमने पूरा कोरोना में मिठाई खाई। कैसन पता है? अब हमारा चेहरा पर मास्क था, उठा कर दिया रसगुल्ला मुंह में वापस बंद, पता ना चली खाइल के ना खाइल। गर्ल्स एंड बॉयज, मेरी एक छोटी सी आदत ये है, मैं जाके भी परफॉर्म करने जाता हूँ, देखने जाता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो एक बार मैं इंडियन आइडल का प्रोग्राम था सिंगिंग का, मैंने उसमें एक चीज नोटिस की है, परफॉर्म सभी करते हैं लेकिन उसमें दो कैटेगरी में करते हैं, तो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, दूसरे करते कम है, एक्टिंग ज्यादा करते हैं। अब आप सोचते होंगे भैया कैसे कैसे करते हैं, तो उसकी वैरायटी बता रहा हूं। नॉर्मल गाने वाले कैसे गाते हैं? गल सुन शेरा वाली। और एक्टिंग वाले कैसे गाएंगे बताएं? किसी के खड़े खड़े बाल है, किसी घुंघरू घुंघरू बाल है, किसी के लंबे लंबे बाल है, किसी के एक किसी पे 15-20 कलर के बाल है, अरे वाले लाल वाले पीले वाले गुलाबी वाले। अब स्टेज पे पहुंच गए, गल सुन शेरा वाली, जो याद करा लाइन बूट। अब ये तो बात होगी जेंट्स की सिंगर, एंड लेडीज सिंगिंग कैसे करते बताएं? सिंपल गाने वाले कैसे गाते? गल सुन शेरा वाली। और एक्टिंग से गाने वाले कैसे गाते? जैसे स्टेज पे पहुंच गए, अब आ गए यार, गाना याद आ गया, गाना है गले सुने शेरा वाली, जद याद करा मेरा वाली। जैसे गाते गाते म्यूजिक शुरू होती है भीड़, गाना खत्म डांस शुरू, कैसे? गाना खत्म। स्टूडेंट
एक्चुअली मैं मजबूरी कारण इंस्टीट्यूट विजिटिंग कर रहा हूँ, वैसे 15-20 पब्लिक के बीच परफॉर्मेंस करता हूँ मैं, जिसमें मेरा लंबा परफॉर्मेंस होता है, डांसिंग एक्टिंग मिमिक्री सभी होते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे एक चीज नोटिस करता हूँ, हंसते सभी है। पहले मुझे ये बताओ, हंसना सेहत के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? तो जब भी आपको हंसने का मौका मिले दिल से हंसो, क्योंकि लाइफ में हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं, गुस्सा दिलाने वाले बहुत। और एक बार क्या होता है कि जॉनी लेवर साहब ट्रेन चलाते हैं, जॉनी लेवर जी ट्रेन चलाते हैं, तो ट्रेन चलाते चलाते लाइन से उतर के खेत के अंदर भाग जाते हैं, मतलब गाड़ी को खेत के अंदर भगा देते हैं, डक 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 डक, जब उल्टा पुल्टा होके वापस पटरी पे आ जाती है सवारी, सारा पैसेंजर उतर के सीधे जॉनी लेवर के पास, आपने क्या किया, आपने गाड़ी कैसे खेत के अंदर भगा दिया, हमारे बाल बच्चे साथ में थे जॉनी लेवर। अबे मेरी बात तो सुन ले, क्यों चिल्ला रही है तू? बोले हमें चिल्लाना विल्लाना नहीं, हम आपके पास सुनेंगे नहीं, आपने पहले ये बताओ गाड़ी खेत में भगाई कैसे आपने? बोले मेरी पूरी बात सुन ले, मैं गाड़ी चला रहा था, सामने से एक बंदा भाग के आ रहा था, तो एक दूसरा आदमी ने बोला तो एक बंदा भाग के आ रहा था, हम क्या करें, उसको उड़ाना था, एक के पीछे तो इतने पब्लिक को तकलीफ दी, आपको उड़ाना था उसको? बोले मैं वही काम कर रहा था, वो साला खेत के अंदर भाग गया, मैं गाड़ी के पीछे भागा। तो स्टूडेंट ये मेरा एक छोटा सा परफॉर्म था। अब आप सोचते होंगे भैया आपने जो परफॉर्म किया आपने तो सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, ट्रेनिंग ली होगी, तो आपकी जानकारी लिए बताता हूं, मैंने किसी इंस्टीट्यूट किसी कॉलेज से नहीं सीखा, एंड गॉड गिफ्ट ओनली फॉर मां सरस्वती के चरणों के जरिए से, एंड सर स्टाफ टीचर आप भाई बहनों के आशीर्वाद से ये प्रतिभा हमारे पास है, बाकी अपनी कोई औकात नहीं कि हमको टैलेंट दिखाए। स्टूडेंट कहते हैं टैलेंट और प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं है, टैलेंट और प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं है, और ये तो मेरी मां सरस्वती का आशीर्वाद है, वरना हमारे भी यहां पे खड़े रहने की औकात नहीं है। स्टूडेंट आप सोचते होंगे भैया आपके अंदर जब टैलेंट है तो आपको बड़े मंच पे परफॉर्म करना चाहिए, तो आपकी जानकारी लिए बताता हूं, इंडिया इज गो टैलेंट सावधान इंडिया है जी। क्या करें, डांस आइयो मन ना कर दे पौड़े इन डांस। तो स्टूडेंट एक्चुअली ये जो परफॉर्म है, मैं सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में भी ऑडिशन दे चुका हूं, मैं एक्टिंग भी करता हूं, डांसिंग भी करता हूं, और 5 राजस्थानी एल्बम में काम कर चुका हूं, 1 राजस्थानी मूवी में काम कर चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं, और अभी भी जारी है काम, कभी मैं स्टूडियो पे चला जाता हूं, कभी स्टेज शो करने जाता हूं, कभी इंस्टीट्यूट कॉलेज इन विजिटिंग करता हूं। तो स्टूडेंट ऐसे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ के रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, जब लोहे का काम करके टाटा बन सकते हैं, जूतों का काम करके बाटा बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते, सिर्फ हमारे माइंड में होना है चाहिए कि क्या बनना है हमें, उसके लिए किसी की हेल्प या किसी के आशीर्वाद ऐसा किसी को जरूरत नहीं होती है, रियल जो जरूरत होती है वो है मेहनत, जो बंदा दिल से लगन से जो मेहनत करता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आपको और भी मेरा परफॉर्म देखना है, डांस एक्टिंग मिमिक्री, तो मेरे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शेखर राम, शेखर राम के नाम से यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम में एक्टर शेखर राम के नाम से है, पहले आप वीडियो देखें अच्छा लगे उसके बाद आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। स्टूडेंट तो ये मेरा एक छोटा सा परफॉर्मेंस था, जब कभी मौका मिलेगा तो आपको और भी हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन आप बहुत सारे वीडियो ले रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक सेल्फी ले लूं। ये मेरा एक छोटा सा परफॉर्म था, बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और कभी मौका मिले तो आपको हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस डांसिंग एक्टिंग भी आपके सामने दिखाएगा, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या हो गया सर? डांस अच्छा, हेलो डांस। डांस नहीं आता, डांस नहीं आता, आने के से बहुत कुछ आता है सर, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, वही कह रहे रायता खूबर आज यूट्यूब चैनल पे देखना डांस बाद में मैं दिखाऊंगा आप। स्टूडेंट एक्चुअली फरमाइश आई एक मिनट के लिए, थोड़ा सा सर थोड़ा सा हॉरर मूवी एक बार, हॉरर मूवी, लाइटें बंद करो रे, डरो तुम। ड्राओ इनको आज। अरे सांप हो तो सुनेगा। हेलो, Hey
लाइट ऑफ चला दो मेरे को भी डाल, लाइट चला दो। तालियां बजाओ दो। अब मैं क्या दिखाऊंगा आपको? मैं तुम्हारे सबके घुंघरू बांध दूंगा। नहीं, ये हॉरर वाला यदि पहले अपने को नहीं बताया कि हॉरर है और लाइटें बंद कर दिखा दे तो वैसा डर तो लग जाए ना। हाँ नहीं, जोरदार, ये भी कला ही होती है। अब तो पर देखो एक बात,